हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सामान लाना है। और ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हो ना, ये दिवाली वाली साड़ी, आज मैंने ये हटा देनी है। आज मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक कर रही थी ना, तो बहुत सारे लोगों का सेम ही कमेंट था कि सीताफल की बासुंदी शेयर कीजिए। तो आई थॉट कि चलो आज कर ही देते हैं। तो मैं है ना कस्टर्ड एप्पल लेकर आई हूँ। कस्टर्ड एप्पल मैंने थोड़े से एकदम ही जो रेडी वाले होते हैं ना वो लिए हैं, और थोड़े ऐसे जो कल परसों में होंगे जो एकदम ही रेडी वाले हैं उसका अभी बासुंदी बना लेंगे। ऑल्सो शर्मा जी लगा रहे हैं अपने बालों को कलर, और मैं बनाने वाली हूँ चाय। और आज चाय मैं बनाऊँगी मसाला चाय। बहुत वक्त से हम लोग अदरक की चाय पी रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज का मन हो रहा है। और अभी आगे सर्दियाँ भी हैं, तो सर्दियों में मसाला चाय पी जा सकती है, अदरवाइज़ फिर वो थोड़ी सी ना तेज़ लगती है। बट जो लोग मसाला चाय लवर होते हैं वो पूरे साल मसाला चाय एंजॉय करते हैं। तो मैं चाय का मसाला की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा बनाऊँगी मैं बैच में, थोड़ा शायद मम्मी के घर भी भिजवाऊंगी। और बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ चाय। एंड यस, आज चाय बनाने के लिए थोड़ा लेट हो गया है, वो इसलिए क्योंकि आज पता है मतलब जैसे जैसे वीकेंड आने लगता है तो ऐसे प्रोग्राम बनने लगता है। तो आज प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग इस्कॉन टेम्पल जाने का। दोपहर तक क्लियर ही था कि इस्कॉन जाएंगे, तो शाम में बस हम लोग मम्मी पापा के पास जाने ही वाले थे। बट फिर उन्होंने डिनाई कर दिया, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, मतलब तबीयत उनकी अच्छी है, शी इज़ नॉट फीलिंग गुड, उनके पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो फिर ये अच्छा भी है कि वो आराम करें, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो मैं अभी फटाफट से चाय बना लेती हूँ, और शायद बाद में हम लोग जाएंगे मम्मी पापा के पास भी मिलने के लिए। और ये देख रहे हैं आप, ये दूध मैंने चढ़ा दिया बासुंदी बनाने के लिए। बासुंदी बनाने के लिए जो दूध है ना, ये बेसिकली हमको रिड्यूस करना है, एटलीस्ट 50% तक इसको रिड्यूस करना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये हो जाने दीजिए। पहले ही मैं मसाला चाय बना लेती हूँ, और मसाला जो है चाय का मसाला उसकी रेसिपी आपको देती हूँ। ये जो ब्लेंडिंग जार आप देख रहे हो, इसके अंदर मैंने शुगर पीसी थी, इसलिए नो नीड टू वरी। अगर आप बहुत ज्यादा मसाला बना रहे हो तो एकदम ही क्लीन जार लीजिएगा, बट मैं छोटा बैच बना रही हूँ तो ये चलेगा। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें काली मिर्ची, और मैं यहाँ पे स्पून के हिसाब से आपको बता रही हूँ क्योंकि ग्राम घर में मेजर करना सबके लिए फिजिबल नहीं है। तो टी स्पून में लेंगे, इस तरह शैलो ही बनेंगे, हीप नहीं करना है आपको। 4 टेबल स्पून लेंगे पेपरकॉर्न्स। इसके बाद इसके अंदर जाएगा तुलसी सीड्स, ये मेरे अपने ही तुलसी के सीड्स मैंने ले लिए हैं। तो ये लगभग 3 से 4 जो इसकी मंजरी आती है ना, उसमें से मैंने सीड्स निकाले हैं, ये सूखे वाले हैं, राइट। ये आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, बट अभी सर्दी है ना, तो आई वुड से आप इतना ही लीजिएगा, इसके बेनिफिट्स भी बहुत रहते हैं ना तो सीड्स के अंदर। आफ्टर दैट इसमें जाएगा सौंफ, लगभग 1.25 चम्मच जैसा, तो 2 पूरे ही डाल देंगे, और बस थोड़ा सा। नेक्स्ट इज लौंग, तो इसमें अराउंड 3 चम्मच लौंग जाएगी। मेरे ससुर जी जो मसाला चाय बनाते हैं ना, उनका मेजरमेंट है कि जितने बंदों के लिए चाय बना रहे हैं बस उतनी ही लौंग डालेंगे। अगर तो 2 कप चाय बन रही है तो वो 2 लौंग डालते हैं। सेकेंड, अब इसको टीस्पून टेबलस्पून में मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अच्छी तरह से पूरा नहीं आता, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बिकॉज कैविटीज भी है ना, तो आप आई बॉलिंग करके देख लीजिए। तो ये हो गए 3 टीस्पून। और इसके बाद इसमें जाएगा चाय मसाला का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो है हरी इलायची। तो ये जाएंगी लगभग 8 टीस्पून। इसके बाद चाय मसाला के अंदर जाता है एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो जो उसको कहते हैं ड्राई जिंजर, यानी कि सौंठ, पर मैं वो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं हर बार चाय में फ्रेश जिंजर डालती हूँ। तो आप अगर मतलब मुकम्मल कंप्लीट बनाना चाहते हो टी मसाला, तो यहाँ पे लगभग 7 यही वाले चम्मच डालिएगा सौंठ पाउडर, 6.5 से 7 चम्मच जितना। और चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि मैं नहीं डाल रही हूँ हर बार चाय में, फिर आप थोड़ा सा फ्रेश जिंजर डालिएगा। इसके बाद जाएगी इसके अंदर सिनेमन, तो मैं ये 3 सिनेमन डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं।
और इसके बाद ये है ब्लैक कार्डम, तो चार में ये भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें इत्तू सा 1/4 जायफल भी डाल सकते हो, वो मैं नहीं डाल रही हूँ। अब ये सारी चीज़ों को जो है पाउडर बना लेंगे पीस करके। ये चाय का मसाला थोड़ा ठंडा होने के बाद भर दीजिए एक जार के अंदर। और इससे चाय कैसे बनाएंगे, अगर दो लोगों के लिए चाय बना रहे हैं तो एक बड़ा कप ले लीजिए पानी, इसके अंदर डालेंगे 4 छोटी चम्मच चाय पत्ती और बिल्कुल 1/4 चम्मच जैसा ये चाय का मसाला, थोड़ा सा अदरक, और इसको उबाल लीजिए। और फिर जितना पानी था उतना ही डालेंगे इसके अंदर दूध। अब हर चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे आप कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। कलर देखिए कितना अच्छा है, अगर आपको कड़क चाहिए तो इतना लें, थोड़ा लाइट चाहिए तो और दूध डाल दिया है मैंने। और इसमें डालिए चीनी जब बॉयल आ जाए दूध को, उसके बाद एज लास्ट इन्ग्रीडियंट, तो 2-3 चम्मच चीनी आप डाल दीजिए। आप चाय का कलर देखें, कलर भी बहुत अच्छा आया। कुछ एक सवाल आ सकते हैं पत्ती के लिए, तो मैं इस्तेमाल करती हूँ टाटा टी गोल्ड। चाय का कलर देखें कितना अच्छा आया, टेस्ट भी अच्छा आता है। आप एक बार बना के देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कि ये आपके लाइकिंग के हिसाब से कितना स्ट्रांग है, तो फिर कम ज़्यादा उस हिसाब से यूज़ करें। और पीछे देख रहे हैं आप डेकोरेशन अभी तक टंगी हुई है, क्योंकि मैं उतार रही थी, तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं? लुक्स ब्यूटीफुल। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब कोई शानु खुशी को बोलती है ना जल्दी से रैप कर, तो ये क्या करती है? वो उसे बोलती है कि ये काम फटाफट से रैप कर दे, और ये करके उसको चढ़ाने लगती है। ये RAP करती है, WRAP की जगह। हाँ एग्जैक्टली, बोलती है नॉट माय फॉल्ट। बासुंदी के लिए दूध बहुत देर से उबल रहा है, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, तो इसमें ना ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर का एक स्लरी जैसा बना के मैं ऐड करूँगी। इससे जो बासुंदी है ना वो थोड़ी थिक हो जाएगी। अगर आप फुल फैट मिल्क मतलब कच्चा दूध ही लेकर सीधे आप बना रहे हो तो ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं घर में रखा हुआ जो दूध होता है जिसकी मलाई हट चुकी होती है वो इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इसलिए इसको थिक होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। 4-1 चम्मच मैंने यहाँ चीनी भी ऐड कर दी है। ये देखें, ये मैं कब से उबाल रही हूँ, ये दूध यहाँ पर था, ये 50% रिड्यूस हो चुका है। थोड़ा हम लोगों ने इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाला है, तो उस करके भी ये थोड़ा थिक हो गया है। ऐसे देखें तो ये पतला ही लग रहा है, बट ये ठंडा होते होते थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ऑल्सो आपको पता है जो बासुंदी होती है वो रबड़ी जैसी लच्छेदार नहीं होती है, वो थोड़ी सी रबड़ी के कंपैरिजन में पतली ही रहती है। होती तो गाढ़ी ही है लेकिन रबड़ी जैसी नहीं, तो आप इसे और रिड्यूस कर सकते हो। मैं थोड़ा और अभी इसे रिड्यूस करूँगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सीताफल बासुंदी है, तो इसके अंदर अभी कस्टर्ड एप्पल का पल्प जाएगा अच्छी खासी मात्रा में, तो वो भी इसको थिकन अप करेगा। तो यहीं पर एकदम गाढ़ा गाढ़ा बना दोगे ना तो वो अच्छी तो बहुत लगेगी देखने में और एक दो बाइट खाने में भी, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको बहुत ही गाढ़ा नहीं कर लेंगे। एक बार ये बेस तैयार हो जाएगा तो फिर सीताफल का जो पल्प है वो निकालेंगे, क्योंकि उसको रखने से ना उसका थोड़ा सा कलर भी लॉस होता है। ऑल्सो फ्रूट्स को रखना नहीं चाहिए, काट कर इमिजिएटली यूज़ करना चाहिए। तो मैं पहले ये कर लूँ। मैंने मीनवाइल थोड़े से पिस्ता काट लिए हैं, ये गार्निश में बहुत अच्छे लगते हैं, बासुंदी में ये जाता है स्पेशली, बहुत पसंद आता है। ऑल्सो आप थोड़े बादाम भी काट सकते हो, मैंने सिर्फ पिस्ताज ले लिए हैं। ऑल्सो इसमें क्योंकि ये कस्टर्ड एप्पल बासुंदी है, इसमें मैं कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं कर रही हूँ। इलायची हो गया, या तो फिर आपका केवड़ा वाटर हो गया, या तो फिर केसर हो गया, आप चाहें तो आप कर सकते हो, मैं नहीं कर रही हूँ। किनारे स्क्रेप करना ना भूलें, ये तले पे तो नहीं लगा है अभी तक एक बार भी, पर थोड़ा सा इसको चलाते हैं जिससे जल ना जाए। ऑल्सो क्योंकि हम डालेंगे इसके अंदर कस्टर्ड एप्पल विच इज़ एक्चुअली नेचुरली वेरी स्वीट, तो चीनी मैंने इसमें सिर्फ 4 चम्मच डाली है। आप थोड़ा टेस्ट भी कर सकते हो आपके हिसाब से, बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप हिसाब से चीनी डालिएगा। अभी आप इसे नोटिस करेंगे ये काफ़ी गाढ़ा हो गया, ये ठंडा होकर और भी गाढ़ा होगा। ऑल्सो इसका कलर नोटिस कीजिए, ये कितना ज़्यादा पेल सा होने लगा है, उतना एकदम ही वाइट अब नहीं है जैसा दूध था। और मैं इसे हाफ रिड्यूस करना चाहती थी, बट लुक्स लाइक ये ऑलमोस्ट 60% जैसा रिड्यूस हो चुका है। बस मैं अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ, इसको ठंडा होने देंगे
ये थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाएगा तब इसके अंदर कस्टर्ड एप्पल का पल्प मिलाएंगे। तब तक मैं कस्टर्ड एप्पल से पल्प निकाल लेती हूँ। और कस्टर्ड एप्पल का पल्प निकालने के लिए आपको डेफिनेटली चाहिए कस्टर्ड एप्पल। इनको दबा के देख लीजिए, अच्छे सॉफ्ट वाले, अच्छे राइप वाले आपको चाहिए। अगर आपको लगता है कि अच्छी तरह नहीं दब रहे हैं, अच्छी तरह राइप नहीं है, तो उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अच्छे राइप वाले ही आपको कस्टर्ड एप्पल चाहिए। ऑल्सो आपको चाहिए एक बोल, देन छलनी, क्योंकि इसी के थ्रू हम निकालेंगे इसका पल्प। और आप चाहें तो इसको, जो आपका फूड प्रोसेसर रहता है ना, लेट मी शो यू, आप चाहें तो इसका जो मतलब इसमें से पल्प निकाल के इसके अंदर ऐड करके दो तीन बार इसको ऐसे पुल करेंगे ना, तो काफी हद तक काम हो जाता है। बट मैंने करके देखा है, नोटिस कि थोड़ा थोड़ा ना काला काला हो जाता है आपका पल्प, इसलिए मैं आज इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जैसे क्लासिक वे में ट्रेडिशनली करते हैं, उस तरह छलनी का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो आपको चाहिए होगा एक हैंड विस्क, इससे काम बहुत आसान हो जाता है, एंड अ स्पून। कस्टर्ड एप्पल को तोड़ लीजिए और एक चम्मच की हेल्प से इस तरह से इसका जो पल्प है वो स्कूप आउट कर लीजिए। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी, जो आपका कस्टर्ड एप्पल का जो पल्प रहता है ना, एक तो जैसा मैं बता रही थी ये थोड़ा अच्छा पका हुआ हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा, इसका टेस्ट तो अच्छा होगा ही, बट अब ये जो पल्प निकालने की प्रोसेस है ना वो अच्छे राइप जो आपके कस्टर्ड एप्पल रहते हैं उसमें ईजिली हो जाता है। चम्मच से कैसे मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, स्मैश करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कर लीजिए तो इससे फिर बाद में आप बलून विस्क की हेल्प से इसे विस्क करें तो इजीली पल्प निकल आएगा। आप देखेंगे इसके बीज अपने आप अलग होते जा रहे हैं। ऑल्सो एक स्पून लेकर है ना, ये जो छलनी है इसका ऐसे बेस जो है ये साफ करते रहिए, तो जो नया पल्प है वो गिरता जाएगा। एक लिमिट के बाद आप नोटिस करेंगे कि इसमें से बहुत ज्यादा पल्प अब नहीं निकल रहा है, बीज बीज दिखने लगे हैं, तो दिस इज द टाइम कि ये जो बीज है आप इससे सेपरेट कर लीजिए और यहाँ जो पल्प रह जाएगा वो हम डायरेक्टली नीचे जो स्मूथ पल्प है उसमें मिक्स कर देंगे। देखें तो टाइम आ गया है कि इसके सीड्स खाली अलग कर लिए जाएं। सीड्स हैं वो एक एक चुनकर मैंने हटा दिए हैं और अब ये जो पल्प है ना नीचे एकदम ही स्मूथ पल्प निकल गया था छलनी से, और छलनी में थोड़ा थोड़ा सा वो पल्पी रह गया है, बट ये अच्छा टेक्सचर ऐड करता है बासुंदी को, तो डाल दीजिए इसको ऐसे ही। अगर आपको एकदम ही स्मूथ चाहिए तो इसे मिक्सी कर सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा नहीं किया जाता। सेम पल्प आप सारा का सारा इकट्ठा करके फिर इसको ऐड कर दीजिए आपके रूम टेम्परेचर आए हुए दूध के अंदर, अच्छी तरह से स्टर दे दीजिए। देखते ही देखते बासुंदी एकदम गाढ़ी गाढ़ी आपकी नज़रों के सामने तैयार हो जाए। ये एकदम ही रिफ्रेशिंग सी लगती है। जो भी फ्रूट बेस्ड डिजर्ट्स रहते हैं ना उनका एक अलग ही टेस्ट होता है, उनमें एक फ्रेशनेस का एलिमेंट रहता ही है। ये देखें कितनी अच्छी जो हमारी बासुंदी है कस्टर्ड एप्पल की हो गई है रेडी। को मैं एक सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ, गार्निश करूँगी थोड़े पिस्ता के साथ, और ये जाएगा भी रेफ्रिजरेटर के अंदर। थोड़ा सा चिल्ड करके ही खाइए इसे, ये बहुत अच्छी लगेगी आपको, ट्राई ज़रूर देना। और अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे बताना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और मुझे है ना अमरूद बहुत पसंद है, स्पेशली इस तरह नमक मिर्ची डाल करके। शर्मा जी को भी अमरूद अच्छा लगता है, मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है, बट सानवी खुशी को नहीं अच्छा लगता। मैंने बहुत अभी इस जनरेशन के बच्चे देखे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये लोग को अमरूद नहीं पसंद आता, सिर्फ हम लोगों से ऊपर ऊपर के जो लोग हैं ना उनको अच्छा लगता है। आप मुझे बताना आपको भी अमरूद नहीं अच्छा लगता है क्या, या अच्छा लगता है, डू लेट मी नो। और यहाँ पर मैंने ढेर सारा पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, एक बार इसमें बॉयल आ जाएगा ना तो उसके बाद फिर मैं इसमें नूडल्स बॉयल करूँगी। और मैं है ना ये वाले इसको फ्लैट नूडल्स भी बोलते हैं बहुत लोग, और इसको ब्रॉड नूडल भी बोलते हैं बहुत लोग, तो मैं ये वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रांड आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा गेहूँ से बना है, इसमें मैदा नहीं है। तो आप चाहें तो जो नॉर्मल चाउमीन वाला नूडल रहता है ना वो भी ले सकते हो। पानी गर्म हो जाने देते हैं, इसके बाद ये इसके अंदर डालूंगी मैं। और मीनवाइल ये कुछ एक सब्जियां हैं मेरे पास, ये मैं काट लूंगी। इसमें जो नूडल्स होती है चाउमीन स्टाइल उसमें बेसिकली कैबेज और स्प्रिंग अनियंस बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे पास है नहीं, मेरे पास सिर्फ यही, तो मैं यही काट करके तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो कैबेज और स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हो, मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है।
पानी अच्छे से उबल गया था तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा नमक और तेल, और इसके बाद मैं ये नूडल्स इसमें डाल रही हूँ। बेसिकली ये पास्ता नूडल्स हैं, पास्ता भी बनाया जा सकता है इनसे, पास्ता के लिए ही है मेनली। मैं इसको नूडल की तरह तैयार कर रही हूँ आज। और मैंने कुछ एक सब्जियाँ काट के रख ली हैं, प्याज है यहाँ पर, गाजर है, और ये हरी पीली और लाल शिमला मिर्चें भी काट ली हैं मैंने। जो मैनुअल चॉपर रहता है ना उसके अंदर ढेर सारा गार्लिक, थोड़ा सा लेंगे इसके अंदर जिंजर और दो एक हरी मिर्च डाल के मैं इनको अच्छी तरह क्रश कर लूँगी। आप इसे नाइफ से भी काट सकते हो पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जो मैनुअल चॉपर है इसमें सेम काम कम समय में और थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी वाला आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगी भी, अगर हम नाइफ से काटें तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना फाइन तो कटेगा भी नहीं, तो इसलिए आप इसको मैनुअल प्रोसेसर में ही, मतलब मैनुअल चॉपर में काट लीजिए। यहाँ पे देखें नूडल्स हो चुके हैं तैयार। नूडल्स के पैकेट पे लिखा ही होता है उसे कितनी देर आपको पकाना है, बट वो थोड़ा आल दानते हो जाए उतनी देर आप इसे पका के छलनी में निकाल लीजिए। और यहाँ बड़े से पैन के अंदर मैंने डाला है ऑयल, और सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़। बहुत गर्म पैन करके तेल बहुत गर्म कर लीजिए, आपका सबसे बड़ा वाला बर्नर के ऊपर ही रख कर ये प्रोसेस कीजिए। सारी ही प्रोसेस ये एकदम ही हाई फ्लेम पे हो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मैंने पहले प्याज डालकर थोड़े से भून लिए, इसके बाद जो रिमेनिंग सब्जियाँ हैं वो सभी डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी सी क्रंची रहे तो अच्छा टेस्ट देती हैं। थोड़े चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, इनको थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर ऐड कर दीजिए आपके नूडल्स के अंदर। और नूडल्स के ऊपर आपको सारे सॉसेस मिलाने हैं, जिसमें थोड़ा सा जाएगा विनेगर, और इसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस। मैं यहाँ डाल रही हूँ टमेटो केचप, क्योंकि हम इसमें शेज़वान चटनी इस्तेमाल करेंगे। डाला है मैंने ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच शेज़वान चटनी। अगर आप शेज़वान चटनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप टमेटो केचप डालिएगा। अगर आप शेज़वान चटनी नहीं डाल रहे हैं, आप रेड चिली सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी चीनी भी इसमें ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, एक स्पैचुला से मिक्स करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए आप दो लेडल्स की हेल्प से इसे मिक्स कर सकते हो, फोर्क की हेल्प लेकर इसे मिक्स कर सकते हो। और इसको आपको तब तक कुक करना है जब तक कि आपकी जो ये नूडल्स हैं इसमें से वो जो एक सॉसीनेस है ना वो ख़त्म ना हो जाए और एक अच्छी सिजल की आवाज़ आपको आने लगे। पास्ता थोड़ा सॉसी अच्छा लगता है बट नूडल्स थोड़े से ड्राई ही अच्छे लगते हैं। तो दो एक मिनट लगेगी फुल फ्लेम पे। इसको आप इस तरह से टॉस करके भून लीजिए, मतलब टॉस कर लीजिए, पका लीजिए, और ये हो चुके हैं आपके बहुत ही अमेजिंग चिली गार्लिक फ्लैट नूडल्स तैयार। और मैंने है ना बासुंदी बनाने के बाद उसको रख दिया था फ्रिज के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा चिल्ड अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर आई मेड द डिनर, और सबको फ्लैट नूडल्स बहुत अच्छे लगे। आप है ना ज़रूर ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। इट्स अ स्लाइट वेरिएशन टू आर रेगुलर चाउमिन, भले ही सेम चीज़ें भी डालें बट थोड़ा सा वो हर इंग्रेडिएंट से फ़र्क आता है रेसिपी में, तो ये अच्छा था। और बासुंदी हम लोगों ने अभी खाया। तानवी खुशी बाय द वे अपने नूडल्स अभी तक खा रही हैं, और शर्मा जी गए हैं मम्मी पापा के पास बासुंदी और चाय का मसाला लेकर। मैंने आपको बताया था ना कि उनके लिए भी बना रही हूँ मैं, तो अभी पापा बताएंगे कैसा बना है मसाला। और बासुंदी उनके लिए फ़र्स्ट टाइम है, क्योंकि उनके लिए तो कस्टर्ड एप्पल भी फर्स्ट टाइम है। इनफैक्ट हमारे लिए भी जब हम यहाँ आए तभी कस्टर्ड एप्पल हम लोगों ने खाया, वहाँ नहीं मिलता था, तो अभी उनको लेटली उसका टेस्ट आने लगा है, उनको अच्छा लगने लगा है। They are developing taste for it. तो शर्मा जी चाहते थे कि वो ज़रूर से टेस्ट करें, इट वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम, तो इसलिए वो गए हैं। मैं नहीं गई क्योंकि बच्चे अभी तक खाने में बिजी हैं। उनका खाना अगर हो गया होता तो फिर हम सारे के सारे जाते थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से आके आप लोगों को बाय बोल दूँ। और अभी मैं जाऊँगी किचन साफ करने। मुझे कोई लोग बोल रहे थे कि आपके पास मेड आती है क्या? हाँ मेरे पास मेड आती है, बट स्वीपिंग वॉपिंग के लिए। तो अब मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।